इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। बिना टेंडर निकाले ही नगर पालिका निगम के अधिकारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 13 मार्च को सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहे थे। डेकोरेशन, उपहार सामग्री सहित किसी भी व्यवस्था को लेकर निगम ने कोई टेंडर नहीं निकाले थे। इसे लेकर आज नगर पालिका निगम सभा कक्ष में निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने अपना विरोध दर्ज किया। नगर पालिका निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो ने निगम अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही समिति बनाकर आयोजन कराने की मांग की। अधिकारियों का कहना था कि टेंडर प्रक्रिया के लिए कम से कम 15 दिन मिलने चाहिए। इन्हें इनवाइट किन्हें नो करा, टेंडर होता टेंडर लेंगे, जिसको लेना वो ले, हमें टेंडर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें आज इनवाइट किन्हें करा, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या है इसमें। टेंट वाले भी, टेंट वाले भी, टेंट कहां लगेगा, कितने लोगों का खाना, तो सर ये समिति वाले डिसाइड करके बता देते हैं इन्हें किन्हें इनवाइट करा। ये हमारी मीटिंग में कैसे बैठेंगे। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आज पहले दिन 12वीं के विद्यार्थियों का हिंदी विषय का पेपर था। जिले भर में बोर्ड परीक्षा के लिए 148 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 25,298 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इसमें 24,722 परीक्षार्थी पहले दिन शामिल हुए, जबकि 576 विद्यार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। इस बीच जिला स्तर पर गठित उड़न दस्ते के द्वारा बने 12 परीक्षा केंद्रों का और विकासखंड स्तर पर गठित उड़न दस्ते के द्वारा 36 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। 12th का फर्स्ट पेपर था हिंदी का, जिसमें आज बहुत अच्छे से गया पेपर, कोई दिक्कत नहीं। आज पहला पेपर हिंदी का था, आज से परीक्षा ओपन हुई है, स्टार्ट हुई है और बहुत अच्छा पेपर था, बहुत सही जा रहा है, सरल आया पेपर। नोनिया करबल स्थित साईं मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा पाठ और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आज पहले दिन साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। समिति के सदस्यों ने बताया कि शुक्रवार को कांकर आरती के बाद साईं बाबा का अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद महाप्रसाद का वितरण होगा। मंदिर नोनिया करबल में बाबा की प्रतिमा स्थापना का 70वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जिसमें आज प्रथम दिवस शोभा यात्रा और कल सुबह काकड़ आरती, उसके पश्चात मंगल अभिषेक के बाद दोपहर में हवन के बाद 56 भोग और उसके बाद महाभंडारे का आयोजन किया गया है। त्रिशक्ति मंच के द्वारा आज शहीद स्मारक में 5 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुराचार के मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज किया गया। त्रिशक्ति मंच की महिलाओं ने शनिचरा बाजार क्षेत्र में मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए हम लोग हरसल निंदा करते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमेशा त्रिशक्ति मंच जनता से अपील करती है, अगर इस तरह की कोई महिला या बच्ची आपको बाहर दिखे तो आप लोग उसकी हेल्प करिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पांडुना में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले मकानों पर आज नगर पालिका परिषद के द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 6 अतिक्रमणकारियों के घरों को तोड़ा गया है, जबकि अन्य अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका सीएमओ ने अंतिम चेतावनी देते हुए 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। पट्टे दिए गए थे उनके द्वारा, पट्टे से अधिक मकान निर्माण किया गया शासकीय जमीन पर, हटाया गया। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज,
फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आनंद नेत्रालय पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं, आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री अकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन, निधि श्री अकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। छोटी बाजार क्षेत्र में तारण तरन दिगंबर जैन मंदिर के सामने 2 घायल कबूतर मिलने की सूचना प्रकाश चंद्र जैन और माया गोयल के द्वारा समाजसेवी दीपक राज जैन को की गई थी। दीपक राज जैन ने घायल कबूतरों का उपचार कराया और उन्हें वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। विप्र नारी शक्ति सेवा संगठन के द्वारा इंदौर फार्मेसी कॉलेज की प्राचार्या विमुक्ता शर्मा को दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय प्रभारी शरद मिश्रा ने बताया कि विगत दिनों इंदौर में बीएम फार्मेसी कॉलेज के छात्र ने प्राचार्य पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया था। उन्होंने 27 फरवरी को उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। हमारे यहाँ गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा प्राप्त है और प्राचार्य की निर्मम हत्या से समस्त नारियों में आक्रोश है। पूरे राष्ट्र में विप्र नारी संस्था की महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन जारी है ताकि अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। विप्र नारी सेवा संगठन छिंदवाड़ा द्वारा आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई और हम लोगों की ये मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी छात्र ऐसा कृत्य ना करे। इंदौर मध्य प्रदेश में जो विमुक्ता शर्मा जी बीएम कॉलेज फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल रही, उनकी उनके ही छात्र ने पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया, उसकी हम लोग बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और उनको जल्दी से जल्दी फांसी देने के लिए आज हम यहाँ पर अपील कर रहे हैं सभी से। और विप्र नारी शक्ति संस्था जितनी भी ब्राह्मण महिलाएं हैं, हमारी जितने भी ब्राह्मण पूरे राष्ट्र में हैं, सभी जगह राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे बुधवार देर शाम छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर नगर पालिका निगम महापौर विक्रम आहके सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। हम विद्युत विभाग से ये पूछना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर एक महीना आप जल रहा है, बदल नहीं रहे हैं। ट्राइबल पे राहत राशि जो तुरंत देने की है, वो राहत राशि के प्रकरण 2-2 साल से पेंडिंग है। महिला बाल विकास से भी जानकारी प्राप्त की गई है। ऐसे समस्त मुद्दों पे आज चर्चा की गई और उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हमें 15 दिन के अंदर पूरा प्रस्तुतकरण दें। जी, शासन की योजनाएं चल रही है, लेकिन शासन की योजनाएं कागजी तौर पर तो चल रही है, किंतु उस पर जमीनी स्तर पर उसका आवंटन नहीं हो पा रहा है और धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। उसको लेकर मंत्री जी ने उन्हें कड़क निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से आप हितग्राहियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन फंड का अभाव है और हितग्राहियों को सिर्फ परेशानी देखने को मिल रही है। इसको लेकर आज मंत्री जी और मैंने निर्देशित किया और 15 दिन में उनको प्रतिवेदन बना के देने का कहा है। जैसे ही हमारे पास पूरे आंकड़े आते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार करेंगे। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की आज भाजपा कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल के प्रथम नगर आगमन पर प्रकोष्ठ पदाधिकारियों ने भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत किया। सर्वप्रथम बैठक में दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। बैठक में प्रदेश संयोजक डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारीगण गठन का विस्तार बस्ती तक करे, इसके लिए बस्ती टोली का गठन हो, हितग्राहियों से संपर्क स्थापित कर उनको भाजपा से जोड़कर संगठन विस्तार करें।